उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने शनिवार को लखनऊ में सपा कार्यालय पर कटहरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर बैठक की। बैठक में कटहरी विधानसभा से सपा जिला अध्यक्ष जन बहादुर यादव, जिला महासचिव मुजीब अहमद सोनू, पूर्व MLC विशाल वर्मा, अंबेडकर नगर के सांसद लालजी वर्मा, पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद शंखलाल मांझी के साथ सेक्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी समेत तमाम पदाधिकारी और नेता मौजूद रहे। इस दौरान सपा मुखिया ने उपचुनाव में कटहरी विधानसभा सीट पर जीत को लेकर रणनीति बनाई और सभी नेताओं को दिशा निर्देश दिए। सूत्रों की माने तो सपा मुखिया ने कटहरी सीट पर सांसद लालजी वर्मा की बेटी छाया वर्मा को टिकट दिया जा रहा है। बता दें कि कटहरी सीट को जिताने के लिए जहां BJP ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदारी दी है, तो वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव को चुनाव प्रभारी बनाया है। कटहरी विधानसभा की बैठक है और कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है और सभी लोगों ने राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और प्रभारी जी को माननीय शिवपाल सिंह यादव पूरी तरह से सारे कार्यकर्ताओं ने एक मत से सहमति दी है कि जिसको भी आप यहाँ से प्रत्याशी बना के भेजेंगे, कटहरी ही नहीं जनपद के सारे लोग मिल के और विधायक बना के देंगे। बहुत सारे लोगों ने अपना टिकट मांगा है, लेकिन यह है कि सारे लोगों ने एक मत से ये भी कहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व का जो भी फैसला होगा हम लोग पूरी निष्ठा और ईमानदारी से उस पर खड़े उतरने का काम करेंगे और सीट जीत। आज कटहरी विधानसभा की समीक्षा बैठक के तौर पर मुख्य जो समाजवादी कार्यकर्ता या नेता थे पार्टी के लिए जो टिकट मांग रहे थे उन लोगों का आज बुलावा किए थे। सबका राय जाने और पार्टी को मजबूत करते हुए उपचुनाव और आने वाले 2027 में सरकार बनाने के लिए उन्होंने आह्वान किया है। सभी लोगों का एक राय था कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी आदेश निर्देश होगा पार्टी के कार्यकर्ता और सभी नेतागण अच्छा पालन करते हुए पार्टी प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। बात करें अगर कटहरी सीट के सियासी समीकरण की तो इस सीट से BJP केवल एक बार ही चुनाव जीत पाई है। इसे सपा का मजबूत किला भी माना जाता है। वहीं अगर बात करें हम जाति समीकरण की तो इस सीट पर अनुसूचित जात के वोटर ज्यादा हैं, जिनमें धोबी और पासी मिलाकर 95,000 से ज्यादा वोट हैं। इसके बाद ब्राह्मण वोट बैंक यहां सबसे ज्यादा है, जिनकी संख्या 50,000 से ज्यादा है। इसके अलावा 45,000 कुर्मी, 40,000 मुस्लिम, 30,000 क्षत्रिय, 30,000 निषाद, 22,000 यादव, 20,000 राजभर, 15,000 बनिया, 10,000 मौर्य, 7,000 पाल, 6,000 कुम्हार और 25,000 अन्य जातियां हैं। इनमें से धोबी, पासी, मुस्लिम, यादव, पाल और मौर्य जातियां समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहती आई हैं। इसके अलावा अन्य जातियों में भी सपा के वोटर्स जुड़े हुए हैं। ऐसे में BJP के लिए यहाँ से जीत हासिल करना टेढ़ी खीर जैसा है। हालांकि BJP बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अन्याय को लेकर हिंदुवादी पाछा चलने की तैयारी में है। फिलहाल अब तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कटहरी उपचुनाव में किसकी होगी जीत और किसे मिलेगी मात।